गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बेटा इंसर्टिंग स्लाइड नंबर, कि किस तरीके से हम स्लाइड के अंदर स्लाइड नंबर ऐड करते हैं और किस तरीके से हम किसी भी स्लाइड को डिलीट करते हैं। ठीक है, इन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द स्लाइड नंबर टेल द पोजीशन ऑफ स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन। जो स्लाइड नंबर होता है बेटा, वो आपको स्लाइड की पोजीशन बताता है आपकी प्रेजेंटेशन में, कि ये नंबर वन की स्लाइड है, नंबर टू की है, नंबर थ्री की है, इस तरीके से। सो टू इंसर्ट स्लाइड नंबर फॉलो द गिवन स्टेप। अगर हम स्लाइड नंबर इंसर्ट करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है बेटा क्लिक द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक द स्लाइड नंबर, उसके बाद आपका स्लाइड नंबर होता है बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके टेक्स्ट ग्रुप में। कौन से ग्रुप में होता है बेटा? टेक्स्ट ग्रुप के अंदर होता है। द हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपको इस तरीके से बेटा हेडर एंड फुटर नाम से क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके अंदर आपका क्लिक द स्लाइड नंबर चेकबॉक्स, उसके अंदर बेटा आपको यहाँ पे स्लाइड नंबर नाम से इस तरीके से बॉक्स मिलता है, उसके ऊपर क्या करना है आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके ऊपर आपको एक टिक का निशान शो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा, क्लिक अप्लाई टू ऑल बटन। उसके बाद अप्लाई टू ऑल नाम से एक बटन होगा, उसके ऊपर क्या करोगे, प्रेस करोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके जो स्लाइड्स है बेटा उनके आगे क्या हो जाएगी, नंबरिंग इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है बेटा हमारा डिलीटिंग है स्लाइड, कि किस तरीके से हम किसी स्लाइड को डिलीट करते हैं। तो बेटा स्लाइड को डिलीट करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करो बेटा जिसे भी आप डिलीट करना चाहते हो। उसके बाद बेटा राइट क्लिक द माउस बटन, उसके बाद बेटा माउस के ऊपर राइट क्लिक करो एंड क्लिक डिलीट स्लाइड ऑप्शन। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको बेटा डिलीट स्लाइड का, उस ऑप्शन को क्या करो, सिलेक्ट करो। जैसे ही आप उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी स्लाइड है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिलीट हो जाएगी। ओके, अब हम इसे प्रैक्टिकली कर लेते हैं। देखो बेटा, इस तरीके से आपको क्या होता है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो ओपन होती है। सबसे पहले हमें क्या करना था, इंसर्ट टैब के ऊपर जाना था। इंसर्ट टैब के अंदर बेटा आपका टेक्स्ट ग्रुप होता है। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर से बेटा आपको टेक्स्ट ग्रुप के अंदर से हमें क्या चूज़ करना है बेटा, स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, ये हेडर एंड फुटर का डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो गया। यहाँ के यहाँ देखो स्लाइड नंबर नाम से आपको ऑप्शन है। जैसे यहाँ क्लिक किया तो हमें टिक यहाँ पे शो हो गया। फिर क्या करेंगे बेटा, अप्लाई टू ऑल। जैसे हमने अप्लाई टू ऑल किया तो हमें हमारे क्या हो गया बेटा, हर स्लाइड के ऊपर नंबरिंग यहाँ पे अपीयर हो गई। ओके, उसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ पे भी अपीयर हो जाती है। और क्या बेटा, आपकी जो स्लाइड है उसके यहाँ पे बेटा बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे आपको क्या होती है, नंबरिंग अपीयर होती है। ये नंबर टू की स्लाइड है तो यहाँ पे आपको टू शो हो रहा होगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से हर स्लाइड के यहाँ पे आपको नंबर भी शो हो जाता है। उसके बाद है बेटा डिलीटिंग स्लाइड। अगर आपको कोई भी स्लाइड डिलीट करनी है तो उसे आप किस तरीके से डिलीट करोगे, तो सबसे पहले आपको स्लाइड सिलेक्ट करनी है। मैंने सबसे लास्ट वाली स्लाइड को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अपने माउस के ऊपर राइट क्लिक किया। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो मुझे लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से मुझे क्या, किस पर क्लिक करना है, डिलीट स्लाइड पर। जैसे मैंने डिलीट स्लाइड के ऊपर क्लिक किया तो मेरी वो वाली नंबर फोर की स्लाइड क्या होगी बेटा, डिलीट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको एक और स्लाइड डिलीट करनी है तो सेम एज इट इज़ राइट क्लिक करो, डिलीट स्लाइड के ऊपर क्लिक करो, तो आपकी सेकंड स्लाइड भी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम हमारी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। कल हमारा टॉपिक है बेटा किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करते हो और किस तरीके से आप अपनी स्लाइड शो व्यू करते हो। ओके बेटा, इन दो टॉपिक्स के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।